हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी। सो एक बार बेटा चेक कर लीजिए, मैं वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, चेक इट वंस। सो वॉइस तो मेरी तरफ से बिल्कुल सही जा रही है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए आपके एंड पे भी क्लियर है या नहीं है। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट थ्रू दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और आज के सेशन में हम लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हैशिंग से हम लोग डिस्कस करेंगे। हैशिंग और इंडेक्सिंग दो टॉपिक होते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग हैशिंग टॉपिक के आज डिस्कस करेंगे और उनके थ्रू समझेंगे द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दी क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पे हमें दिया हुआ है। क्या है? आपको एक हैश टेबल दिया है जिसका साइज कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। एंड द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स वी वॉन्ट टू इंसर्ट इन टू दी एम्प्टी हैश टेबल। हमें एक एम्प्टी हैश टेबल में इन रिकॉर्ड्स को क्या करना है बेटा, इंसर्ट करना है। ठीक है, यूजिंग दी हैश फंक्शन। एक हैश फंक्शन भी हमें दिया हुआ है, लाइक की मॉड 11+1, ये हैश फंक्शन है। तो इस हैश फंक्शन की हेल्प से हम लोगों को डेटा इंसर्ट करना है, और अगर कोई कोलिजन होता है तो लीनियर प्रूविंग टेक्निक को हमें क्या करना है, यूज करना है। क्वेश्चन ये पूछा है कि वॉट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रॉब्स फॉर द सक्सेसफुल सर्चिंग। अगर हमें सक्सेसफुल सर्च परफॉर्म करना है तो उसके लिए एवरेज नंबर ऑफ प्रॉब्स कितने होंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच करें, ट्राई करें। गुड इवनिंग आशीष, है ना। तो एक बार कोशिश करें कि एवरेज नंबर ऑफ प्रॉब्स हम कैसे निकालते हैं। देखिए लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करेंगे, रिजल्ट क्या आ रहा है फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जितने भी कीज है आपको उनको हैश टेबल में स्टोर करना है यूजिंग दी फंक्शन। तो इट इज सिंपल प्रोसेस। कहीं पे अगर कोलिजन हो रहा है तो रिजॉल्व करने के लिए आपको लीनियर प्रूविंग यूज करनी है। उसका मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे कोलिजन हो वहां से लीनियरली आप सर्च करना शुरू करेंगे कि नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन आपको कहाँ पे मिल रही है। जो भी खाली एम्प्टी लोकेशन मिलेगा वहां पे आप डेटा स्टोर कर देंगे। सो सिमिलरली हम लोग क्या कह सकते हैं कि हर की के करस्पॉन्डिंग एक कोलिजन ऑकर होगा, है ना। हर की के करस्पॉन्डिंग एक कोलिजन ऑकर होगा अगर डेटा वहां पे नहीं मिलता है तो, या मतलब एम्प्टी स्लॉट नहीं मिलता है तो। अगर एम्प्टी स्लॉट मिल जाता है तो उस पर जीरो कोलिजन, अगर एम्प्टी स्लॉट नहीं मिलता है तो फर्स्ट कोलिजन, अगर नेक्स्ट लोकेशन भी फुल है तो फिर अगला। तो अल्टीमेटली कितनी बार हम कोलाइड करके की को स्टोर कर रहे हैं वो नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं। फिर हमें निकालना है एवरेज नंबर ऑफ प्रॉब्स फॉर द सक्सेसफुल सर्च। तो हर एक की के लिए जो भी कोलिजन ऑकर हो रहा है नंबर ऑफ प्रॉब उससे एक ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आप हर की का नंबर ऑफ प्रॉब निकाल सकते हैं, उन सभी का एडिशन करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ कीज अगर करेंगे तो एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो ये तो लॉजिक था बिहाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब एक बार आप लोग ट्राई करें और इनको स्टोर करके देखें, इनको स्टोर करके देखें टेबल में। टेबल में टोटल एलिमेंट साइज 11 है, मतलब कि टोटल 11 स्लॉट्स आर देयर जिसकी इंडेक्सिंग 1 से शुरू की है। तो 1 टू 11 इंडेक्सिंग को स्टार्ट करके और हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सो चेक करिए एंड टेल मी। टोटल 11 स्लॉट्स आप लोग बना लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके पास कितने हैं, 11। सो टोटल 11 स्लॉट्स आप लोग हैश टेबल में बना लीजिए। इंडेक्सिंग 1 से है, सो स्लॉट नंबर्स आर लाइक दैट। फर्स्ट की इज 14। देखिए स्टोरेज कैसे होगा, तो 14th की को आपको स्टोर करना है, तो 14 को आप हैश फंक्शन से पास करेंगे 14 mod 11+1। सो 14 mod 11 वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3+1, हाउ मच, इट बिकम 4। मतलब 14th जो की है वो कौन सी लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, लोकेशन नंबर 4 पे जाके स्टोर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 14th के करस्पॉन्डिंग जो आपको नंबर ऑफ कोलिजन लगे वो 0 लगे, जीरो कोलिजन हुआ ना, क्योंकि डायरेक्टली वो एम्प्टी लोकेशन पे जाके स्टोर हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कोलिजन हुआ वो कितना हुआ, 0 हुआ। सिमिलरली आपको नेक्स्ट एलिमेंट्स को स्टोर करते जाना है।
तो बताइए कि अगला एलिमेंट जो 18 है वो किस लोकेशन पे जाके स्टोर होगा। तो क्या करेंगे, 18 मॉड 11, 18 मॉड 11 है ना, मॉड का मतलब क्या होता है, जो रिमाइंडर वैल्यू होती है वो आउटपुट आता है। तो 18 मॉड 11 जब हम लोग करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 7। सो 18 मॉड 11 इज 7 प्लस हमें 1 करना है, सो इट गिव्स यू द वैल्यू 8। तो 18 जो है वो स्लॉट नंबर 8 पे जाके स्टोर होगा। अब 8 ऑलरेडी आपका क्या था, एम्प्टी स्लॉट था, ठीक है। अगर एम्प्टी स्लॉट है तो मतलब कोलिजन क्या हुआ उसके लिए, 0 हुआ। सो 18 के करस्पॉन्डिंग भी नंबर ऑफ कोलिजन आपके कितने ऑकर हुए, 0 ऑकर हुए। सिमिलरली द नेक्स्ट की इज 23। सो 23 को अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे, 23 मॉड 11 इज हाउ मच, इट इज 1। 23 मॉड्यूलस 11, 1, 1 प्लस 1 वैल्यू इज 2, क्योंकि आपको प्लस 1 बाद में करना है। सेकेंड स्लॉट इज एम्प्टी, यू कैन स्टोर द की डायरेक्टली हियर। सो 23 के करस्पॉन्डिंग जो कोलिजन हुए वो कितने हुए, 0 कोलिजन, ठीक है। सो 23 की के करस्पॉन्डिंग जो कोलिजन होगा वो भी 0 होगा। नाउ द नेक्स्ट इज वॉट, 10। 10 मॉड 11 इज हाउ मच, 10 ओनली, और 10 प्लस 1 कितना आ गया, 11। तो 10 जो है वो लोकेशन नंबर 11 पे जाके स्टोर होगा, और वहां पे पहले कोई भी डेटा नहीं था, तो अगेन वी कैन से दैट 0 कोलिजन ऑकर हुआ है, और हमने 10 को भी क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। नेक्स्ट इज 25। सो 25 मॉड 11 इज हाउ मच, 4। 4 प्लस 1 इज 5, लोकेशन नंबर 5 अवेलेबल है क्या, यस yes. तो 25 आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, और इस 25 के लिए भी कोई कोलिजन नहीं लगा, सो 0 कोलिजन इज देयर। नाउ द नेक्स्ट की इज वॉट, 21, हमें 21 को स्टोर करना है। सो 21 के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, 21 मॉड 11 इज हाउ मच, इट गिव्स यू द वैल्यू 10, और 10 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। अब 11 पे ऑलरेडी डेटा है, मतलब ये कोलिजन हुआ, तो हम नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन सर्च करते हैं फ्रॉम द टॉप अगेन, क्योंकि 11th के बाद कोई इंडेक्स नहीं है ना, तो फिर शुरू से सर्च करना शुरू करते हैं। फर्स्ट लोकेशन अवेलेबल था तो 21 यहाँ स्टोर हो जाएगा, बट अगर बात आती है कोलिजन की, तो वी कैन से दैट कि एक कोलिजन लगा, मतलब 11th स्लॉट पे हमने देखा वो स्लॉट अवेलेबल नहीं था, तो हमने नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन पे उसको स्टोर किया। सो 1 कोलिजन की यहाँ पे आपको लगेगा, है ना, 1 कोलिजन आपको यहाँ पे लगेगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट की, नेक्स्ट की इज 15। अब 15 के करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, तो 15 को आप पास करेंगे सबसे पहले किससे, यू नीड टू पास दैट 15 विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। सो 15 मॉड 11 कितना होगा, 15 मॉड 11 इज हाउ मच, इट इज 4। 4 प्लस 1 इज 5। अब 5 पे ऑलरेडी डेटा था, तो 1 कोलिजन के बाद नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन पे हमने 15 को स्टोर कर दिया, और यहां लिख देंगे कि एक कोलिजन हमें और लगेगा। नाउ द नेक्स्ट की इज वॉट, इट इज 11। सो 11th नंबर का की जो है उसको हमने पास किया, 11 मॉड 11 इज वॉट, 0। 0 प्लस 1 इज 1। अब 1 पे ऑलरेडी डेटा था, तो नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन यहाँ आई, हमने 11 यहाँ स्टोर कर दिया, गॉट इट। सो 2 कोलिजन्स हमें लगे 11 के करस्पॉन्डिंग। तो ये तो नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एवरेज नंबर ऑफ प्रॉब्स कितने लगेंगे फॉर द सक्सेसफुल सर्च। तो प्रॉब जो होता है वो नंबर ऑफ कोलिजन से एक ज़्यादा होता है, तो सिंपली इसके लिए 1, इस पे भी 1 आ गया, इस पे भी 1 आ गया, हियर इज ऑल्सो 1, हियर इज ऑल्सो 1, इज ऑल्सो 1, इज ऑल्सो 1, ये 1 प्लस 1, इट बिकम 2, इट बिकम 2 एंड इट बिकम 3। जस्ट टेक एडिशन ऑफ दिस। सो इन सभी का एडिशन अगर हम लोग कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ की डिवाइडेड बाई 7, सो इट गिव्स यू द एवरेज वैल्यू। सो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सो दैट वुड बी द वे टू डू द ऑपरेशन, ठीक है। तो सिंपली आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज के लिए आपको क्या करना है, कीज कहाँ स्टोर हो रही हैं वो आपको चेक करना है सबसे पहले, और उन कीज को स्टोर करते हुए और उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर ऑफ कोलिजन लग रहा है उसमें प्लस 1 करते जाना है, ठीक है। तो वो आपके नंबर ऑफ प्रॉब होते हैं। एवरेज की बात की जाती है तो सभी का एडिशन करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कीज कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। सो 3, 3, 6, 7, 8, टोटल 8 टर्म्स हैं यहाँ पे, ओके। सो डिवाइड आपको 8 से करना है, टोटल 8 कीज आर देयर, सो यू नीड टू डिवाइड बाय 8। सो जस्ट डू दैट, डिवाइड बाय 8 कर दीजिए सिंपली, गॉट इट। चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, एवरेज नंबर ऑफ प्रॉब्स निकाले थे सक्सेसफुल सर्च के लिए।
Here we need to calculate what is the average number of probes for the unsuccessful search. मतलब अगर हम कोई डेटा सर्च करना चाहते हैं और वो डेटा अगर हमें टेबल में नहीं मिल रहा है या हैश टेबल जो हमें हमने डेटा स्टोर किया है ना, पहले तो इन सारी कीज को हमें टेबल में स्टोर करना होगा. देन वी वांट टू सर्च अ पर्टिकुलर आइटम और हमें ऐसा आइटम सर्च करना है जो टेबल में नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द अनसक्सेसफुल सर्च. तो अनसक्सेसफुल सर्च के केस में हमें कितने नंबर ऑफ प्रॉब्स लगेंगे ऑन एन एवरेज. ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, जितनी भी कीज दी हुई है ना, यू नीड टू स्टोर दैट कीज इनटू द हैश टेबल. तो हैश टेबल में सबसे पहले तो इन कीज को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे. उसके बाद एक ऐसा आइटम लेंगे, ठीक है, एक ऐसा आइटम लेंगे जिसको हम लोग फंक्शन से पास करा, अगर सपोज तो उसने इंडेक्स नंबर 1 दिया और 1 पे हमारा डेटा जो हमें सर्च करना था वो डेटा 1 पे नहीं है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, लीनियरली सर्च करते हैं जब तक हमें डेटा नहीं मिल जाता. अब मान लो कि एम्प्टी लोकेशन मिल गई हमें, ठीक है, तो हम वहां पे क्या कर देते हैं, सर्चिंग को स्टॉप कर देते हैं और हम बोलते हैं कि आवर आइटम इज नॉट फाउंड, तो उसको अनसक्सेसफुल सर्च कहा जाता है. ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि सपोज हमारे डेटा लोकेशन नंबर 1 पे होना था, फिर 1 से हम लोग लीनियर प्रॉप करना शुरू करेंगे और फाइंड करेंगे कि कहाँ पे एम्प्टी लोकेशन आ रही है, तो जितने कंपैरिजन के बाद एम्प्टी लोकेशन आएगा वो आपका नंबर ऑफ प्रॉब्स हो गए अनसक्सेसफुल सर्च के लिए. फिर सेकेंड लोकेशन को हम लेंगे, उससे कैलकुलेट करेंगे, थर्ड से कैलकुलेट करेंगे, फोर्थ से कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली करते जाएंगे. जैसा है ना, इस टाइप का क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे यूज करना है और फाइंड करना है अनसक्सेसफुल सर्चिंग में कितने प्रॉब्लम्स लगते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है ना, तो अपकमिंग एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रॉब्स फॉर द सक्सेसफुल सर्च एज वेल एज फॉर द अनसक्सेसफुल सर्च. सो ट्राई करें और बताएं कि क्या हो सकता है. डेटा स्टोर, देखिए डेटा जो कीज है एग्जैक्टली सिमिलर जो पहले हम लोगों ने कीज ली थी ना, वही कीज आपको दी हुई है ना, सेम कीज है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो चेंज हो गया. तो आप सिमिलर कीज को सबसे पहले तो स्टोर कर लेंगे. ओके, सो टोटल 1 से 11 तक. फोर्टीन, अगेन वही कॉन्सेप्ट है ना, क्वेश्चन तो वही है, पुराना वाला ही है, बस जो अननोन है वो चेंज हो गया. तो आपको 14 को स्टोर करना है, कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगा, तो 14 मॉड 11 करेंगे जैसे हमने पहले किया था. तो 14 मॉड 11 वैल्यू कितनी आ गई, 3, 3 प्लस 1 कितना आया, 4, तो लोकेशन 4 पे जाके स्टोर हो गया ये विदाउट कोलिजन. ठीक है, अब अगर हमें सक्सेसफुल सर्च फाइंड आउट करना होता है तो इन कोलिजन्स के करस्पॉन्डिंग हम लोग देखते हैं. अनसक्सेसफुल सर्च के लिए हमें क्या है, डेटा स्टोर करना है कौन कौन सी लोकेशन पे है. तो 18 को अगर हम बात करें तो अगेन 18 मॉड 11 इज 7, 7 प्लस 1 8, तो 18 यहाँ पे आ गया, इसके लिए भी कोई कोलिजन नहीं लगा. फिर 23, तो 23 mod 11 is how much, 1, 1 plus 1 is what, 2, तो 23 को second location पे store कर दिया. Now next is 10, 10 mod 11 is 10, 10 plus 1 is 11, तो 11th location पे जाके आपकी key 10 store हो गई. Now 25 mod 11 is what, 4, 4 plus, 25 mod 11 is 3, 3 plus 1, 4, तो 25 fourth location पे जाएगा, but there is a collision, तो वो उसकी next location पे जाके store होगा. Okay, फिर next की क्या आ रही है, 21 आ रही है. आई थिंक यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में कुछ 25 को स्टोर करने का लोकेशन, देखिए एवरेज दोनों चीज़ें हम समझ लेते हैं, एवरेज नंबर ऑफ प्रॉप फॉर द सक्सेसफुल एज वेल एज अनसक्सेसफुल दोनों क्वेश्चन समझते हैं इसके लिए ना. आई थिंक पिछले वाले में हमने कुछ एरर किया है. सो 14 इसके लिए भी जीरो लगा कोलिजन, 23 के लिए भी नंबर ऑफ कोलिजन जीरो लगा, 10 के लिए भी नंबर ऑफ कोलिजन जीरो लगा, 25 के लिए नंबर ऑफ कोलिजन आपको 1 लगा. 25 क्यों, ये 25 mod 11 वैल्यू आएगी 3 और 3 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगा 4, तो फोर्थ लोकेशन ऑलरेडी फुल था इसलिए फिफ्थ पे हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा. नाउ द की इज 21, सो 21 mod 11 इज हाउ मच, इट इज 10 एंड 10 प्लस 1 इज 11, ये ऑलरेडी फुल था तो नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन यहां पे आ गई, सो इसके लिए भी वैल्यू 1 लगेगी है ना.
और फिर 15 की अगर हम लोग बात करें तो 15 के करस्पॉन्डिंग आपको 15 मॉड अलावन इज हाउ मच, इट इज 4 एंड 4 प्लस 1 इज 5. फिफ्थ ऑलरेडी फुल है तो उसको नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन पे आप स्टोर कर देंगे. यहाँ पे द लास्ट इज 11. 11 मॉड अलावन इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 पे ऑलरेडी डेटा था तो 2 कोलिजन के बाद आपका वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. तो ये तो नंबर ऑफ कोलिजन हुए. अब एवरेज प्रॉब फॉर सक्सेसफुल सर्च इज वॉट, इन सभी में 1-1 ऐड करते जाएंगे. एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कीज, इट इज 13/8 है ना. तो हमने लास्ट में साइड 12/8 लिखा था, एक कोलिजन हम ऐड करना भूल गए थे. तो प्रीवियस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपका होगा 13/8. ओके, सो दैट वुड बी द कैलकुलेशन मिस्टेक इन द प्रीवियस. तो उसको 13/8 आप करेक्ट कर लीजिएगा. तो ये एवरेज प्रॉप फॉर द सक्सेसफुल सर्च हुआ. अब बात आती है अनसक्सेसफुल सर्च के लिए क्या होगा. ये तो सक्सेसफुल सर्च के लिए आ गया, तो ये पॉइंट तो क्लियर है. अब अनसक्सेसफुल सर्च के लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको देखें. सपोज टू बी वी वॉन्ट टू सर्च अ वैल्यू एक्स, मुझे एक्स सर्च करना था. अब मैंने इस एक्स को हैश फंक्शन से पास किया और इसने सपोज मुझे इंडेक्स दिया 1, तो मैं 1 नंबर के इंडेक्स पे जाऊंगा और देखूंगा कि क्या एक्स वहां पे अवेलेबल है, क्या एक्स 1 नंबर की लोकेशन पे अवेलेबल है क्या. सो एक्स इज नॉट अवेलेबल टू लोकेशन नंबर 1. तो हमने कंपेयर किया, हमें नहीं मिला. तो हमें पता है कि जो डेटा स्टोर हुआ है वो लीनियर प्रूबिंग के अकॉर्डिंग स्टोर हुआ है. तो अब मैं उस स्पेसिफिक वैल्यू को लीनियरली सर्च करना शुरू करता हूँ. तो मैंने यहाँ देखा, फिर 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 यहाँ देखा और फिर यहाँ देखा. सो मुझे कब पता चलेगा कि एक्स मेरा जो प्रेजेंट नहीं है 7th लोकेशन पे आके. क्यों? क्योंकि 7th एम्प्टी लोकेशन है. अगर होता तो वो 7th लोकेशन पे होता, अदरवाइज वो नहीं है. तो टोटल 7 कंपेरिजन के बाद मुझे पता चला, ठीक है, कि एक्स इज नॉट अवेलेबल. तो अगर x को आप हैश फंक्शन से पास करते हो और वो लोकेशन 1 देता है, तो 7 प्रॉब्स के बाद पता चलेगा कि जो सर्चिंग थी वो अनसक्सेसफुल थे. अगर आपने सेम वैल्यू x को हैश फंक्शन से पास किया और इसने अगर इंडेक्स दिया 2, तो आपको 2 से सर्च करना शुरू करना है. अगेन आप 2 से कहां तक सर्च करेंगे, 7th लोकेशन तक. 7th पे जाके पता चलेगा कि वो डेटा प्रेजेंट नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम 6 हो गया. फिर अगर हम इस एक्स को देखिए, एवरेज प्रॉब निकालना है ना, तो हमें सारे केसेस कैलकुलेट करने. तो अगर लोकेशन 1 आती है तो 7 कंपैरिजन लगेंगे, लोकेशन 2 आती है तो 6 कंपैरिजन लगेंगे. अगर हम इसको पास करते हो लोकेशन 3 आती है तो 5 कंपैरिजन लगेंगे, फिर 4 कंपैरिजन लगेंगे, फिर 3 कंपैरिजन लगेंगे, फिर 2 कंपैरिजन. और अगर लोकेशन 7 आ गई तो डायरेक्टली 7 तो एम्प्टी है, तो 1 कंपैरिजन के बाद ही पता चल जाएगा. अब अगर लोकेशन 8 आता है तो एक कंपैरिजन यहां और यहां नहीं है, तो नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन वो एम्प्टी है, मतलब 2 कंपैरिजन हमें परफॉर्म करने पड़े. देन अगर लोकेशन 9 आती है तो 1 कंपैरिजन, 10 पे भी 1 कंपैरिजन. बट अगर लोकेशन 11 आ जाता है, ठीक है, अगर लोकेशन 11 आता है तो आपको 11th से कंपेयर करना है. फिर जब तक नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन नहीं मिलेगी कंपेयर करते जाना है, मतलब अप टू 7 तक. तो टोटल 8 कंपैरिजन हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ दिस ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स, कितने स्लॉट है. ठीक है, तो जब भी अनसक्सेसफुल सर्च की बात हो, नंबर ऑफ स्लॉट से आप लोग क्या कर दीजिए, सिंपली डिवाइड कर दीजिए. सो जस्ट डिवाइड दैट वैल्यू बाय 11, गॉट इट. चलिए, तो टोटल एडिशन करके 11 से डिवाइड कर दीजिए, दैट वुड बी योर रिजल्ट. सो जस्ट कैलकुलेट दैट वैल्यू, हाउ मच इट इज. So it is 40/11. 40/11, that would be your answer. 40/11, that would be your answer. आया पॉइंट समझ में? तो सक्सेसफुल सर्च एज वेल एज अनसक्सेसफुल सर्च के लिए किस तरीके से किया जाएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन. तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. आउट ऑफ 4 यू नीड टू आइडेंटिफाई कि विच ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही है.
तो एक बार आप सभी लोग ट्राई करें एंड टेल मी विच ऑप्शन इज ट्रू। क्या आ रहा है? ए एंड डी आ रहा है। ठीक है बेटा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सो हेज टेबल का साइज आपको कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। सो 10 स्लॉट्स हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इंडेक्सिंग जो है वो शुरू करेंगे जीरो से। सो 0 to 9 टोटल 10 इंडेक्स आता है। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कीज़ हैं उनको स्टोर करना है, उनको स्टोर करना है की मॉड 10 और लीनियर प्रोबिंग के हिसाब से। तो की नंबर 14 है, तो 14 मॉड 10 लोकेशन क्या आ जाएगा? 4। तो 14 को हमने 4 लोकेशन पे स्टोर कर दिया। 35 लोकेशन 5 पे स्टोर हो जाएगा। 23 लोकेशन 3, 10 एट ए लोकेशन 0, 25 लोकेशन 5 पे आएगा बट कोलिजन की वजह से वो 6 पे स्टोर होगा। 21 जो है वो लोकेशन 1 पे स्टोर होगा डायरेक्टली। 15 जो है वो लोकेशन 5 पे आएगा बट ड्यू टू द कोलिजन वो आपका यहाँ स्टोर हो जाएगा 7 पे। फिर 11 लोकेशन 1 पे कोलाइड होगा और उसको नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन पे हम स्टोर कर देंगे, और 19 को हम सबसे लास्ट लोकेशन पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए वो क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज 4। अब देखते हैं तो टोटल कोलिजन 4 हो रहे हैं क्या? तो आप देखिए, 1 कोलिजन तो यहाँ हुआ था, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो यस, टोटल 4 कोलिजन आ दर। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकेंड, की नंबर 11 स्टोर एट इंडेक्स 2। तो यस, की नंबर जो 11 था वो सेकेंड इंडेक्स पे ही स्टोर है। दैट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। आफ्टर इंसर्टिंग ऑल द कीज स्लॉट नंबर 8 ऑफ हेज टेबल इज एम्प्टी। तो हम देख सकते हैं सारी कीज इंसर्ट करने के बाद 8th नंबर का स्लॉट जो है वो एम्प्टी है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। एंड नंबर ऑफ कोलिजन फॉर द की नंबर 15 इज 3। तो 15 की के लिए आप देखें, एक कोलिजन तो यहां हुआ था, सेकेंड यहां हुआ था, उसके बाद तो हमने डेटा स्टोर कर दिया था। तो नंबर ऑफ कोलिजन फॉर द की नंबर 15 3 नहीं आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा। तो वैल्यू 2 हम लोग ने ऑप्शन डी को हम फॉल्स कह देंगे। तो यू कैन गो विथ ऑप्शन ए बी सी, तीन ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। ठीक है।
चलिए, सिमिलरली नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पे आपसे पूछा है कि कितने स्टेटमेंट फॉल्स है. अगेन इट इज एमएसक्यू क्वेश्चन. हेशिंग का क्लास अटेंड नहीं किया है बेटा आपने. ओके कोई बात नहीं. क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सॉल्यूशन, उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कुछ हद तक तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना. बाकी अभी जो सेशंस अगर अपकमिंग में होंगे तो वहाँ पे फिर आप ध्यान दीजिएगा उस पर. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग जैसे लीनियर प्रोबिंग होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लीनियरली नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन सर्च करते हैं. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हमें क्वाड्रेटिकली क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन सर्च करना होता है. तो देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो टोटल 10 स्लॉट्स हम लोग सबसे पहले बना लेंगे. अब आपको कीज़ जो स्टोर करनी है 14, 35, 23, 10, 25, 11, 15, 11 एंड 19, ठीक है. अब देखिएगा, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग यूज़ करना है तो नॉर्मली क्या था, जब तक कोलिजन नहीं होता तब तक तो कीज़ की एक्चुअल लोकेशन पे स्टोर होती है. जैसे 14 है तो 14 को हैश फंक्शन से पास करेंगे तो लोकेशन 4 आ जाएगा. 35 को पास करेंगे तो लोकेशन 5 आ गई. 23 के लिए लोकेशन 3 आ जाएगा. 10 के लिए लोकेशन 0 आ जाएगा. फिर 25 आया तो 25 को जब आपने हैश फंक्शन से पास किया तो लोकेशन क्या आई, 5. बट 5 पे ऑलरेडी डेटा है तो नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन हम जो सर्च करते हैं वो करते हैं 5+1² पे. क्वाड्रेटिकली सर्च करेंगे तो 5+1² कितना हो गया, 6. तो 6th लोकेशन पे हम लोग ले जाके और इसको स्टोर करेंगे. सो आफ्टर 1 कोलिजन ये 6th लोकेशन पे स्टोर होगा. फिर आया क्या, 21. तो 21 के लिए लोकेशन 1 आएगी, डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा. देन लोकेशन, देन वैल्यू क्या आ रही है, 15. तो 15 को जब हम हैश फंक्शन से पास करते हैं लोकेशन 5 मिलता है. 5 पे कोलिजन हुआ तो फिर हम सर्च करते हैं 5+1² मतलब क्या हुआ, ये 6. तो 5 पे कोलिजन हुआ तो 6 पे देखा, 6 पे फिर कोलिजन हुआ तो नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन क्या सर्च की जाएगी, 5+2² कितना हो गया, ये 5+2² कितना हो गया, 9. तो हम लोकेशन 9 पे स्विच कर देते हैं.
अब 9 अवेलेबल था तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 15 को स्टोर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ की नंबर 11, सो 11 मॉड 10, लोकेशन 1, 1 ऑलरेडी फुल था तो आपने एक कोलिजन करके 11 को यहाँ स्टोर कर दिया। नाउ द नेक्स्ट की इज व्हाट, इट इज 19, तो 19th की कहाँ पे जानी चाहिए, लोकेशन 9 पे जाना चाहिए, बट 9 पे ऑलरेडी डेटा है, देर इज अ कोलिजन, तो नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, वो कहाँ सर्च होगी, तो फर्स्ट लोकेशन 9 पे सर्च की, फिर हम सर्च करेंगे 9 प्लस 1 स्क्वायर जो कि हुआ 10। अब अगर सपोज कोई स्पेसिफिक लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो आप मॉड ले लेते हैं हैश टेबल साइज से, तो 10 मॉड 10 क्या आया, 0। अब 0 पे भी ऑलरेडी डेटा था तो फिर आप सर्च करते हैं 9 प्लस 2 स्क्वायर, सो 9 प्लस 2 स्क्वायर कितना हुआ, 13, 13 मॉड 10, सो लोकेशन क्या आई, 3, बट 3 पे ऑलरेडी डेटा है तो फिर आप नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन क्या सर्च करते हैं, थर्ड कोलिजन हुआ ना तो 9 प्लस 3 स्क्वायर, इट बिकम 18, सो 18 मॉड 10, लोकेशन 8, तो लोकेशन 8 पे जाके आप स्टोर कर देते हैं उस स्पेसिफिक की को, लाइक दिस। ओके, अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल 4 कोलिजन हुए क्या, तो नहीं, 4 से तो ज्यादा हो गए नंबर ऑफ कोलिजन, तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ कोलिजन 4 से तो ज्यादा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे यही पूछा है कि फॉल्स कौन कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड बोल रहा है की नंबर 11 लोकेशन 2 पे जाके स्टोर होगा, तो यस की नंबर 11 लोकेशन 2 पे स्टोर है। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर इंसर्टिंग ऑल द की स्लॉट नंबर 8 इज एम्प्टी, नो इट इज फॉल्स, स्लॉट नंबर 8 नहीं, स्लॉट नंबर 7 एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, फिर आपको बोला है नंबर ऑफ कोलिजन फॉर की नंबर 15 इज व्हाट, 3, तो कोलिजन 15 नंबर की के लिए कितने होंगे, 3 कोलिजन्स होंगे, चेक कर लेते हैं, तो फर्स्ट कोलिजन यहाँ हुआ, सेकंड कोलिजन यहाँ हुआ और उसके बाद ये स्टोर हो गया, मतलब दो ही कोलिजन के बाद स्टोर हो गया, तो 3 कोलिजन्स नहीं हो रहे हैं, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू 3 आ जाएगा, गलत है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट था तो हमने इसको भी टिक करना है। गॉट इट, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एमएसक्यू क्वेश्चन है, यहां पे हम लोग डबल हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डबल हैशिंग में आपको दोनों हैश फंक्शन दिए, फर्स्ट हैश फंक्शन भी दिया है और अगर कोलिजन होता है तो सेकंड हैश फंक्शन का यूज करना है, वो भी दिया हुआ है, तो दोनों हैश फंक्शन का यूज करते हुए आपको बताना है। सो ट्राई इट एंड टेल मी कि क्या रिजल्ट आना चाहिए, एक बार कोशिश करें एंड बताएं कि क्या रिजल्ट होना चाहिए इसका।
डबल हैशिंग में हम फर्स्ट हैश फंक्शन यूज करते हैं, अगर कोलिजन होता है तो फिर हम सेम की को सेकंड हैश फंक्शन से पास करते हैं, फिर फर्स्ट हैश फंक्शन का जो रिजल्ट है और सेकंड हैश फंक्शन का जो रिजल्ट है उन दोनों का एडिशन करके नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन को फाइंड करते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से प्रोसेस परफॉर्म होती है। फर्स्ट की इज 14, तो 14 लोकेशन 4 पे आ जाएगा फर्स्ट हैश फंक्शन से पास करने के थ्रू। 35 लोकेशन 5 पे चले जाएगा, देन नेक्स्ट इज 23 लोकेशन 3 पे आ जाएगा, नेक्स्ट इज 10 लोकेशन 0 पे चले जाएगा। नाउ द अनदर की इज 25, तो 25 को जब हम पास करते हैं फर्स्ट हैश फंक्शन से तो लोकेशन 5 आती है, बट 5 पे कोलिजन हो रहा है तो हम किस पे स्टोर करते हैं 5 प्लस। अब इस सेम 25 को सेकेंड हैश फंक्शन से पास करो तो ये कितना हुआ 7 माइनस 25 मॉड 7। ओके सो 25 मॉड 7 वैल्यू आएगी 4, 7 माइनस 4 इज हाउ मच इट बिकम 3। सो 5 प्लस 3 मतलब नेक्स्ट लोकेशन हम लोग कौन सी देखेंगे 8, तो 8th लोकेशन पे हम लोग जाके इसको स्टोर करेंगे 25 को। ठीक है, देन द नेक्स्ट की इज 21, सो 21 मॉड 10 इज लोकेशन 1, 21 मॉड 10 इज लोकेशन 1, 1 पे स्टोर कर दिया। देन नेक्स्ट की इज व्हाट 15, 15 मॉड 10 इज लोकेशन 5, बट 5 पे ऑलरेडी डेटा है तो नेक्स्ट लोकेशन 5 प्लस। अब इस 15 को सेकेंड हैश फंक्शन से हमें पास करना है तो 7 माइनस 15 मॉड 7, सो इट इज 15 मॉड 7 इज 1, 7 माइनस 1 इज हाउ मच इट इज 6, सो 5 प्लस 6 इज हाउ मच इट गिव्स यू 11। अब 11th लोकेशन अगर नहीं है तो आप मॉड कर देंगे हैश टेबल साइज से, तो 11 मॉड 10 लोकेशन 1 आएगा। तो पहला की हमने 5 पे देखा, 5 पे ऑलरेडी डेटा था तो फिर हम लोकेशन 1 पे गए, बट यहाँ पे भी डेटा है तो अब आपको क्या करना है 5 प्लस, देखिए फर्स्ट लोकेशन 5, सेकेंड 5 प्लस सेकेंड हैश फंक्शन का रिजल्ट 6, अगर यहाँ पे भी कोलिजन है तो फिर आप 5 प्लस 2 इंटू 6 पे चेक करेंगे, तो 5 प्लस 2 इंटू 6 का रिजल्ट जो भी आएगा मॉड हैश टेबल साइज ले लेंगे तो इट गिव्स यू द वैल्यू 17 मॉड 10, सो वैल्यू 7, तो 7th लोकेशन अवेलेबल है तो जो आपका की नंबर है 15 वो 7th लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 11, सो 11 लोकेशन 1 पे जाएगा बट 1 पे ऑलरेडी कोलिजन है तो फिर हम इस 11 को सेकेंड, 1 से ऑलरेडी कोलिजन है तो 1 प्लस 11 को सेकेंड हैश फंक्शन से पास करेंगे तो 7 माइनस 11 मॉड 7, सो 11 मॉड 7 वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना आया 3, सो 1 प्लस 3 लोकेशन 4 पे जाना है बट 4 पे ऑलरेडी डेटा है आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट लोकेशन हम क्या सर्च करेंगे 1 प्लस 2 इंटू 3 इट इज 7, 7 पे ऑलरेडी डेटा है तो नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन सर्च करना है हमें 1 प्लस 3 इंटू 3, आगे बढ़ाते जाएंगे सो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 10, सो 10 मॉड 10 क्या आएगा लोकेशन 0, ठीक है 0 पे ऑलरेडी डेटा है तो नेक्स्ट लोकेशन हम सर्च करेंगे 1 प्लस 4 इंटू 3 13, सो 13 मॉड 10 लोकेशन 3 अगेन डेटा है तो फिर सर्च करेंगे 1 प्लस 5 इंटू 3 16, 16 मॉड सो लोकेशन 6 आ गया, 16 मॉड 10 लोकेशन 6 आ गया तो इस 6 लोकेशन पे हम 11 नंबर की को स्टोर कर देंगे। देन 19 मॉड 10 इज 9, ये लोकेशन अवेलेबल था तो हमने की को डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दिया स्टोर कर दिया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे 4, तो 4 से तो बहुत ज़्यादा है तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, आपको फॉल्स ढूंढना था। सेकंड बोल रहा है की नंबर 11 लोकेशन 2 पे स्टोर होगा क्या, नहीं 2 तो खाली है तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड बोल रहा है सारी की इंसर्ट करने के बाद 8th स्लॉट एम्प्टी है क्या, तो नहीं 8th स्लॉट एम्प्टी नहीं है, वहाँ पे कुछ की है तो ये भी फॉल्स है। नंबर ऑफ कोलिजन की नंबर 15 के लिए 3 हो रहे हैं क्या, सो फॉल्स है क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 कोलिजन हुए हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन आपके 3 नहीं होते हुए कितने हो रहे हैं बेटा 2 कोलिजन हो रहे हैं। गॉट इट, सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स स्टेटमेंट, सारे ही स्टेटमेंट आपके क्या है यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे
जो कि कोलिजन से रिलेटेड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हेशिंग, तीनों से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा हमने जो क्वेश्चन देखा वो नंबर ऑफ प्रॉब्स का, सक्सेसफुल सर्च के लिए कितने प्रॉब हो सकते हैं, अनसक्सेसफुल सर्च के लिए कितने प्रॉब हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द सर्टेन क्वेश्चंस जो कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन और इनके कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और देखेंगे कि एसक्यूएल से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है। तो आई होप आपको आज का सेशन क्लियर होगा। अगर हैशिंग टॉपिक आप लोगों ने नहीं अगर पढ़ा है या आप रिलेटेड टू दैट अगर कुछ थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट्स आपके अगर स्ट्रांग नहीं है तो एक बार इसको कवर जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन हैशिंग से आता ही आता है ना। तो हैशिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, तो उसको बहुत अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, कवर अप करना है। गॉट इट? चलिए, सो हम लोग नेक्स्ट कल डिस्कस करते हैं, सेम टाइमिंग 6 PM, आप लोग टाइम पे आ जाइएगा। विल स्टार्ट द सेशन, ओके। चलिए, सो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।